गुरु नानक प्रकाश यात्रा का आगरा आगमन पर होगा भव्य स्वागत। श्री गुरु नानक देव जी के आगमन पर बीदर साहिब से शुरू होकर आगरा पहुंच रही यात्रा का मार्ग में और एवं गुरु के ताल परिसर पर भव्य स्वागत होगा। इस अवसर पर पूरी यात्रा मार्ग पर फूलों की बरसात होगी। ये कहना है गुरु के ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी का, जो आज गुरुद्वारा परिसर में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बाबा प्रीतम सिंह जी ने आगे बताया कि ये यात्रा अलीगढ़ से हाथरस सादाबाद होकर 2 अगस्त को आगरा पहुंचेगी एवं 3 अगस्त को सुबह 8:30 बजे यात्रा को ग्वालियर की ओर खानागिरी होगी। श्री गुरु सिंह सभा माई थान के प्रधान कमाल सिंह दीप सिंह ने कहा कि इस यात्रा की अगुवाई करने के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी उपस्थित होंगे। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि 2 अगस्त को शाम 4 बजे टीड़ी बगिया पर यात्रा की अगुवाई की जाएगी। वीर महेंद्र पाल सिंह जी ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश ना कोई बेरी नहीं बेगाना के अनुसार आगरा में यात्रा का सर्व समाज द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। मीडिया समवेत बंटी ग्रोवर ने बताया कि गुरुद्वारा गुरु के ताल पर यात्रा के पहुंचने और भव्य आकाशीय आतिशबाजी की जाएगी, साथ में रंग बिरंगी विद्युत साझा की जाएगी, जिसको लेकर आगरा की सिख संगत गुरु नानक नाम संगत ही नहीं समूह आगरा वासियों में उत्साह है। इस यात्रा के आगरा आगमन पर यहाँ पर गुरुद्वारा गुरु के ताल को भव्य विद्युत सज्जा की जाएगी, साथ ही आतिशबाजी की जाएगी और साथ में इस यात्रा का जगह जगह सर्व समाज के द्वारा, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या अग्रवाल समाज का कोई भी किसी भी समाज का हो, सब समाज इस समाज इसके यात्रा का स्वागत कर रहा है। और आप चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इस यात्रा का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से भी किया जाएगा, जिससे कि अगर कोई किसी कारणवश इस यात्रा में नहीं पहुँच पा रहा है, इस लाइव के द्वारा उस यात्रा को वो दर्शन कर सकते हैं। पांच प्यारों की अगुवाई और गुरुनंद साहब जी की सरप्रस्ती में हजारों किलोमीटर नांदेड़ इधर से चल के और 2 अगस्त को अलीगढ़ होती हुई आगरा पहुंचेगी। ये भव्य नानक प्रकाश यात्रा जो गुरु नानक देव जी का संदेश है जगह जगह देती हुई आ रही है। अव्वल लल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर जे सब जग कौन बने गुरु बंदे। इस यात्रा में सर, इस यात्रा में कितने लोगों के शामिल होने की आप लोगों की अनुमान लगा रहे हैं? इस यात्रा का आपने बीच में नहीं सर सवाल पूछना हमारा काम है, उसमें जो है गुरु नानक देव जी का दूसरा वर्ण छको कीर्त करो और नाम जपो, ये संदेश जगह जगह देती हुई आपसी भाईचारे का चल रही है। गुरु नानक देव जी की ये यात्रा 2 अगस्त को आगमन होगा, इसका भव्य स्वागत होगा और 3 तारीख को रवानगी होगी। इस यात्रा में जो है जो गुरु साहब की सेवा और ये लगभग 50-60 लोग साथ में चल रहे हैं जो कि निरंतर चलते आ रहे हैं। जगह जगह जब स्वागत होगा तो हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में संगत दर्शन के रूप में आएगी, क्योंकि हर समाज का और हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार है। क्योंकि जब गुरु नानक देव जी को अपना मुसलमान भी अपना पीर मानते थे और हिंदू और सिख भी मानते थे अपना पीर, तो इसलिए इस यात्रा जो है इसमें सब गुरु नानक नाम लेवा संगत जुड़ेगी। साथ में इस यात्रा को जो है प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, एक साइड में हमारा नगर कीर्तन चलेगा, दूसरी साइड में ट्रैफिक चलेगा जिसमें कहीं ट्रैफिक में बाधा नहीं आएगी और जैसे जैसे नगर कीर्तन आगे बढ़ता जाएगा और पीछे से वो जो है अपना ट्रैफिक खोलते जाएंगे। इसमें हमारे अपने लोग भी सुनील जी हैं, वो पर्सनल रूप से अपनी पूरा जो है हम लोग अपने पर्सनल लेवल पर सुनील जी का भी धन्यवाद है, उन्होंने अपनी पूरा जो है यात्रा के प्रबंध के लिए एक अलग स्क्वाड बनाई है जो कि किसी को परेशानी ना हो, किसी को एम्बुलेंस ना रुके, कोई ऐसी ना हो और यात्रा निरंतर रूप से बिना ट्रैफिक के रोक रहा के प्रशासन के साथ साथ हमारी अपनी भी व्यवस्था जो सुनील जी देख रहे ट्रैफिक की वो निरंतर चलेगी और प्रशासन ने भी अपनी तरफ से 5 मजिस्ट्रेट 3 CO SP ट्रैफिक SP सिटी सब लगे और ADM सिटी खुद इस यात्रा के लिए निरंतर खड़े हैं और इस बात को देख रहे हैं। भाई खालसा।